18 साल से कम उम्र के बच्चे को वाहन चलाने की इजाजत देने वाले माता पिता को 3 साल की जेल होगी। जी हाँ, एडिशनल डीजीपी यातायात एएस राय और एस रणजीत सिंह ढिल्लो, पुलिस कमिश्नरेट अमृतसर के निर्देशन में एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक हरपाल सिंह के मार्गदर्शन में ट्रैफिक एजुकेशन सेल के प्रभारी एसआई दलजीत सिंह और उनकी टीम ने स्कूल में एक ट्रैफिक सेमिनार आयोजित किया, जिसमें बच्चों को नए कानून की जानकारी दी गई, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा किसी भी प्रकार का वाहन नहीं चला सकता। सेल के प्रभारी दलजीत सिंह ने बताया कि लाइसेंस 16 साल में बनाया जाना है, जिससे बच्चे केवल 50 सीसी तक ही वाहन चला सकते हैं। अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा किसी भी तरह का वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके माता पिता पर 25,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल की जेल हो सकती है। इसके अलावा गाड़ी की आरसी सस्पेंड की जा सकती है। बच्चे का 25 साल की उम्र तक लाइसेंस भी नहीं बनेगा। इस सेमिनार में बच्चों के माता पिता भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस सेमिनार में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। उन्होंने कहा कि स्कूल और प्रशासन की ये बहुत अच्छी पहल है। इसके अलावा आए लोगों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि लोगों को जागरूक करने का ट्रैफिक पुलिस का प्रयास बहुत सराहनीय है। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती सुमन जेनेट एंजेलस और शिक्षक भी मौजूद रहे। सेमिनार लगा रहे हैं स्कूल प्रबंधकों दा नाल भी, स्टूडेंट नाल भी, और जिहड़े बच्चों के पेरेंट्स है उन्होंने नाल भी। और साडा बड़ा वधिया एक सानू ये प्लेटफॉर्म दिता प्रिंसीपल साहब ने, जिमें भी ये सोध करके जिहदा फाइन वधाया गया, जो सदा सज़ा का जिहड़ा ऑप्शन जिहड़ा वधाई गई है। मैं प्रिंसिपल अलेक्जेंड्रा स्कूल मिसेस सुमन इंगल्स, और आज हमारे यहाँ हमने एक सेमिनार अरेंज कराया जिसमें पेरेंट्स, अच्छे नंबर में पेरेंट्स एंड हमारे सीनियर स्टूडेंट्स क्लास 8, 9, 10, 11, 12 ने पार्टिसिपेट किया। इस सेमिनार में जो ट्रैफिक इंचार्ज मिस्टर दलजीत सिंह और उनकी टीम है, उन्होंने बच्चों को और पेरेंट्स को अवेयर कराया कि ये नया कानून क्या है और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ये सब बच्चों को और पेरेंट्स को पता लगा और पेरेंट्स एंड बच्चे सब ने इसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया। सेकेंडली उन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि अगर कोई बच्चा हर्ट हो गया या कोई पर्सन हर्ट हो गया, रोड में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हमको हेल्प करनी चाहिए और वो हेल्प करने के लिए हम हमें रिवॉर्ड किया जाएगा। तो ये बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए और स्कूल के लिए एक बड़ी बात कही गई है। तो बच्चे ये नए कानून को फॉलो करने का, पेरेंट्स ने नए कानून को फॉलो करने का प्रॉमिस किया है। यहाँ पर हमारे स्कूल का मोटो है बाय लव समवन अनदर, तो हमने अपने बच्चों को हमेशा सिखाया है कि प्यार के साथ सारे सोसाइटी को आपने सर्व करना। मॉर्निंग टाइम देखा गया, अभी इस स्कूल में भी काफ़ी बच्चे आए हैं जो 18 ईयर से नीचे हैं, तो वो आपकी तरफ से कोई कड़े कदम? नहीं, हमारे तरफ से टोटल कड़े कदम है। हम उनको स्कूल में एंट्री नहीं कराते, उनके व्हीकल बाहर रहते हैं, स्कूल में कोई ऐसी एंट्री नहीं है। ये आज से नहीं है, ये स्टार्टिंग से हमारे यहाँ है कि कोई भी बच्चा जो लाइसेंस नहीं है वो अंदर व्हीकल नहीं रखेगा, स्कूल के अंदर एंटर नहीं करेगा। स्कूल के बच्चे जो आते हैं अंडर 18 रहते हैं, अगर उनको गेट पे जो सिक्योरिटी के लिए मैं जो कोई भी पर्सन है खड़ा वो उनको रोकता है, तो उनकी तरफ से बदमाशी भी दिखाई जाती है। तो उसके लिए कई बार हमने भी नोटिस किया है कि वहाँ पे गेट कीपर जो रहते हैं उनके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता। मेरी नर्स वहाँ खड़ी होती हैं, मेरे ड्राइवर वहाँ पे खड़े होते हैं और मेरे सुपरवाइजर वहाँ पे खड़े होते हैं। जो स्टूडेंट है कहीं ना कहीं वो बदमाशी भी दिखाते हैं भाई, वो बच्चे हैं, उनको समझाना हमारा काम है। स्ट्रिक्टली एक्शन लेंगे, उनके पेरेंट्स को हम बुलाते हैं, उनके पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि बच्चों को मॉरल वैल्यू सिखाइए। हम तो वैसे ही सिखाते हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं करते, कभी कभी ऐसे कोई बच्चे करते हैं ऐसे। कई पेरेंट्स भी जो गेट के आगे गाड़ी लगा करके अपने बच्चों को लेने जाते हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको टाइम टू टाइम हम मैसेज देते रहते हैं, उनको बताते हैं कि एक तो अपना स्पीड लिमिट रखो और गेट के आगे अगर आप पार्क करते हो तो आपको ही नहीं, आपके बच्चे को नहीं, दूसरे बच्चे भी इफेक्टेड होंगे, तो आपके बच्चे भी होंगे साथ में। ओके, थैंक यू सर। सेमिनार पेरेंट्स के हित च है, बच्चों के हित च है, उन्होंने बहुत वधिया किया वा, जिहड़ा कानून लागू किया, कानून पहले लागू हो जाने चाहिए सके। इहदे नाल बच्चों से डर रहेगा, बच्चे कई बार पेरेंट्स की गल नहीं सुनते, वो कहते सानू कोई रोक नहीं रहा तो असी क्यों रुकीए, एक्टिवा लेंदे आ चाबी मारते जाते जाते बाद चो खबर आती है जी बच्चा उत्थे डिग्गिया पिया फलाना ये, कई बार 2-2 घंटे घर ही नहीं आते, पता ही नहीं लगता उन्होंने जिहड़े दिलों चो डर मुक्या होया सी ना, वो डर पेगा, वो बहुत जरूरी सीगा, बच्चों डराना भी जरूरी हुंदा वा।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਛੁੱਟੀ ਦੇ 70% ਵਹੀਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 16 ਸਾਲ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਦਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ? ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਹੀ ਆਏ, ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 199 ਅਤੇ ਏ ਅਤੇ 199 ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਅਲੈਗਜੈਂਡਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹ 2-ਵੀਲਰ ਜਾਂ 4-ਵੀਲਰ ਨਾ ਚਲਾਉਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, 25,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਾ, ਔਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਵਹੀਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਵਹੀਕਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਚੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਏ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਮੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਹੋਇਆ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂ ਲਹਿਰ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਈਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰਾਂ 'ਚ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਚ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰ, ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੁਛ ਬਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ